सिर में दर्द होना एक सामान्य बीमारी है जो लगभग हर किसी ने अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर अनुभव किया होगा। सिर दर्द सिर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। सिर के पिछले हिस्से में भी कई लोगों को दर्द होता है, जिससे उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सामान्य सिर दर्द के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि नींद पूरी ना होना, आंखें कमजोर होना, स्ट्रेस या तनाव में रहना, अधिक शोर में रहना। लेकिन अगर आपके सिर के पिछले हिस्से में बार बार दर्द होता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि सिर के पिछले हिस्से में होने वाले दर्द के पीछे कई गंभीर कारण हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन कारणों के बारे में बताते हैं। क्लस्टर हेडेक सिर के पिछले भाग में दर्द होने का एक कारण है। क्लस्टर सिर दर्द में अधिकतर लोग सिर के पिछले हिस्से में दर्द को महसूस करते हैं। यह अलग अलग पैटर्न में भी हो सकता है। कई बार क्लस्टर हेडेक दिन में कई बार हो जाता है, तो कभी कभी किसी विशेष समय पर ही यह दर्द उठता है। यह सिर दर्द कुछ महीने के गैप में भी हो सकता है। सिर के पिछले हिस्से में तनाव यानी स्ट्रेस के कारण भी दर्द होता है। अगर कोई लगातार लंबे टाइम से तनाव में रहता है तो वह स्ट्रेस हेडेक का अनुभव कर सकता है। आजकल इस तरह के सिर दर्द के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रेस हेडेक में सिर के पिछले हिस्से में दर्द के अलावा गर्दन में भी दर्द हो सकता है। स्ट्रेस हेडेक के बाद सिर के पिछले हिस्से में दर्द होने का अगला कारण हो सकता है साइनसाइटिस। वैसे तो साइनसाइटिस का दर्द माथे पर होता है, लेकिन साइनस की समस्या बढ़ते या सूजन आने पर पेशेंट को सिर के पिछले हिस्से में भी दर्द होने लगता है। दरअसल इस दौरान व्यक्ति को सांस लेने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ता है, जिस कारण सिर में दर्द होने लगता है। यह दर्द सिर के पीछे, माथे, नाक के आसपास हो सकता है। ऑक्सीपिटल न्यूरोलजिया सिर के ऑक्सीपिटल नर्व से संबंधित होता है। इसमें सिर के पिछले हिस्से में दर्द उठता है और यह दर्द आंखों तक महसूस हो सकता है। इसलिए अगर आपको भी ऐसा दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। सिर के पिछले हिस्से में दर्द लिम्फ नोड्स में सूजन की वजह से भी हो सकता है। दरअसल हमारे कान के पीछे लिम्फ नोड्स होते हैं। जब ये नोड्स सूज जाते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है। तो ये थे सिर के पिछले हिस्से में दर्द होने के कुछ कारण। अगर आप भी किसी तरह के सिर दर्द से परेशान हैं तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि सिर दर्द सामान्य से लेकर गंभीर रूप तक हो सकता है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर जांच कराएं और अपने सिर दर्द के कारण का पता लगाएं। अगर लगातार कुछ दिनों तक आपके सिर के पिछले हिस्से में दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें MGP डिजिटल इंडिया।